हे गाइस, वेलकम टू प्रोटोमोटिव। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। आज हम आपको दिखाने वाले हैं नई टाटा सफारी। ये गाड़ी हमारे पास आई है सिरेमिक कोटिंग के लिए और गाड़ी सिर्फ है 4 दिन पुरानी, पर कस्टमर के साथ एक मिसहैप हो गया, गाड़ी पर एक डेंट आ गया। तो ये वाला दरवाज़ा जो गाड़ी का है पीछे की साइड का, यहाँ पर एक डेंट गाड़ी पर आ चुका है और कस्टमर ने हमें इंटरेस्ट किया है कि इस गाड़ी का ये डेंट हम प्रॉपरली बना दें और ये डोर पैनल हम पेंट कर दें। इसके अलावा गाड़ी पर हम अलॉय व्हील्स, ग्लासेस एंड प्लास्टिक्स पर कोटिंग करने वाले हैं। गाड़ी की बॉडी पर सिरेमिक कोटिंग करने वाले हैं। हम गाड़ी को अंडर बॉडी कोटिंग भी करने वाले हैं। टाटा की गाड़ियों पर कंपनी से अंडर बॉडी कोट आता है, बट वो पार्शियल एरियाज पर आता है, 100% कवरेज उसमें नहीं होता है। सो जस्ट एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हम इसको पूरा अंडर बॉडी कोट करने वाले हैं। पुणे जैसी सिटी में ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अगर आप मुंबई जैसी कोस्टल एरियाज में रहते हैं या जहाँ पर सी पास में है तो आपको अंडर बॉडी डेफिनेटली करवाना चाहिए कोटिंग। क्योंकि गाड़ी नई है तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पर जब हम डेंट बनाएंगे और इतना एरिया जो है हम बेयर मेटल करेंगे तो हम प्राइमर भी स्पॉट में करेंगे, बेस कोट भी हम स्पॉट में अप्लाई करेंगे कुछ इतने एरिया तक, और क्लियर जो है हम ये पूरे दरवाजे पर मार देंगे। ये करने का मेन रीज़न ये है कि हम गाड़ी के पेंट की थिकनेस बढ़ाना नहीं चाहते। तो जब हम बेस कोट सिर्फ इतना अप्लाई करेंगे ना तो उससे होगा क्या, हाँ इस एरिया की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट ओवरऑल ये पूरे डोर पैनल की जो थिकनेस है उसमें शायद 20-30 माइक्रॉन्स का ही डिफरेंस आए, क्योंकि बाकी एरिया पर हम सिर्फ क्लियर कोट अप्लाई कर रहे हैं। और उसके अलावा क्योंकि हम इस पैनल पर क्लियर कोट मारने वाले हैं, ये पैनल पेंट करने वाले हैं और पेंट करने के बाद हम सैंडिंग भी करते हैं, पॉलिश भी करते हैं, तो ऑरेंज पील काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। हमने कस्टमर के साथ ये डिसाइड किया कि गाड़ी पर क्योंकि नेचुरली ही बहुत ज़्यादा ऑरेंज पील है तो क्यों ना पूरी गाड़ी को ही एक लाइट हैंड ऑफ सैंडिंग कर दिया जाए ताकि ये ऑरेंज पील रिड्यूस हो सके और गाड़ी का फिनिश जो है वो ओवरऑल इवन बहुत अच्छा आ जाए। तो ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। बुडमो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। बुडमो अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेकआउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। क्योंकि डेंट छोटा ही था तो हमें डेंट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं गया, थोड़ी सी हैमरिंग करके डेंट रिपेयर हो गया और धार सीधी लाइन पर आ गई। ये जो आप रिपेयर का तरीका देख रहे हैं इसे स्मार्ट रिपेयर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पैनल पर पेंट का थिकनेस हम कम से कम इफेक्ट करें, क्योंकि ये नई गाड़ी है तो पेंट थिकनेस OEM से जितना क्लोज रहेगा उतना बेटर रहेगा।
प्राइमर एप्लीकेशन के बाद जिस एरिया पर हमने प्राइमर लगाया है उस एरिया को हम अच्छे से सैंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ बाकी के भी पूरे पैनल को हम अच्छे से सैंडिंग कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम बेस कोट का एप्लीकेशन करते हैं तो सैंडिंग पेंट बॉन्डिंग में हेल्प करता है। साथ ही साथ बाकी पैनल को हम इसलिए सैंड कर रहे हैं क्योंकि हम वहां पर भी क्लियर कोट स्प्रे करने वाले हैं। आप अभी देखेंगे कि बेस कोट का एप्लीकेशन हमने उसी एरिया में किया है जहां पर हमने प्राइमर अप्लाई किया था। सिर्फ डिफरेंस यही है कि हम उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आगे ले जाते हैं, और अगर कलर अच्छे से मैच हुआ है तो ये पार्शियल बेस कोट कहीं भी प्रॉब्लम नहीं देगा और ये डिफरेंस बताना पॉसिबल नहीं रहेगा कि यहाँ पेंटिंग का काम हुआ है। सफारी का डोर राजिक ने पेंट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बेस कोट हमने इस सिलेक्टिव एरिया में मारा है और क्लियर कोट हमने पूरा मार दिया है। थोड़ा बहुत डस्ट पेंट में आया है, बट वो डस्ट हम सैंडिंग में कट कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्लियर कोट एप्लीकेशन हुआ है, बेस कोट नहीं हुआ है, तो इसका पेंट थिकनेस भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पुरानी गाड़ियों में इतना फर्क नहीं पड़ता है, उतना थिकनेस पेंट हैंडल कर सकता है, बट क्योंकि नई गाड़ी है और कल को कोई अगर इसे चेक करता है DFT रीडिंग लगा के, तो वो भी नए के बराबर ही ऑलमोस्ट आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। शेड भी 100% मैच हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, टोन में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, और ये हम आपको बाद में गाड़ी जब रेडी होगी उसके बाद दिखाएंगे भी। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ द प्रॉपर काइंड ऑफ मास्किंग दैट इज़ रिक्वायर्ड जब आप एक पैनल पेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे नोटिस करो, हमने व्हील्स भी पूरे कवर किए हुए ताकि कहीं ओवर स्प्रे ना आए, और ये बैक साइड भी पूरा कवर किया हुआ है। इवन अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊं तो फ्रंट एंड और इस साइड भी पूरा हमने गाड़ी को कवर किया हुआ है। बॉडी शॉप्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है, जिस साइड में पेंट हो रहा है उसी तरफ मास्किंग की जाती है, कवर किया जाता है, दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। हवा में जो पेंट होता है वो आके बैठ जाता है और ओवर स्प्रे क्रिएट करता है। ये OPS शीट्स जो आप देख रहे हो, ये OPS शीट्स काफ़ी एक्सपेंसिव आती है कंपेयर टू स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, एंड सिमिलरली ये जो ब्राउन मास्किंग पेपर भी हमने यूज़ किया है ये भी एक्सपेंसिव रहता है न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में। हम ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रद्दी में जब न्यूज़पेपर को आप यूज़ करेंगे उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो कभी कभी हम अगर गाड़ी उससे कवर करेंगे तो पैनल्स पर वो डस्ट आके बैठ जाएगी, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। हाँ, प्राइमर के टाइम में हम लोग न्यूज़पेपर्स का यूज़ ज़रूर करते हैं, बट दैट इज़ बिकॉज यू कैन कट दी प्राइमर एक्चुअली, जहाँ पर डस्ट ज़्यादा आई है उसको आप कट करके रिमूव कर सकते हो, एंड सिंस प्राइमर इज़ नॉट द फाइनल कोट, बेस कोट एंड क्लियर कोट की केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सब जो मास्किंग आप देख रहे हो स्पेसिफिकली इसलिए नहीं है कि ये गाड़ी वीडियो में आ रही है तो हमने पूरी गाड़ी को कवर किया है, दैट इज़ हाउ आर SOPs आर। हम स्टैंडर्ड इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं, हर गाड़ी को इसी तरीके से काम करते हैं, चाहे उसका वीडियो बन रहा हो या ना बन रहा हो। आजकल की जितनी भी नई गाड़ियाँ आती हैं उनमें अंडरबॉडी कोटिंग ऑलरेडी हो के आता है, और सफारी में भी अंडरबॉडी कोटिंग हुआ है, बट अप्रोप्रिएटली इसको कवरेज नहीं दिया गया है। और मुंबई में अंडरबॉडी कोटिंग की बहुत अटमोस्ट नेसेसिटी होती है ताकि गाड़ी को जंग ना लगे और रस्टिंग की प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसलिए हम अच्छे से इस गाड़ी को मास्किंग करके अंडरबॉडी की कवरेज पूरी बॉडी में करेंगे। तो इस गाड़ी की अच्छे से मास्किंग करके हम एंटी रस्ट कोटिंग से इसके अंडरबॉडी को प्रॉपरली कवर करेंगे, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है, तो लेट्स गो। आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपनी गाड़ी पर अंडरबॉडी कोटिंग करवाई भी होगी और ये होते हुए देखी भी होगी, बट आई एम वेरी श्योर आपने इस तरीके से नहीं देखी होगी। गाड़ी पर हम जिस तरीके से मास्किंग कर रहे हैं, गाड़ी पर OPS डाल रहे हैं, लोअर सेक्शन पे कवरिंग कर रहे हैं,
एग्जॉस्ट पे मास्किंग कर रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि इन एरियाज पर अंडरबॉडी कोटिंग स्प्रे ना हो। और सबसे मेहनत वाला काम यही होता है एक्चुअली। जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, वो ये काम कहीं से भी करा सकते हैं। बट अगर आप सही ढंग से ये काम कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं गाड़ी के शॉकर्स पर अंडरबॉडी कोटिंग स्प्रे ना हो, एग्जॉस्ट पर स्प्रे ना हो, क्लैडिंग पर नहीं लगे, अपर बॉडी पर कहीं ना लगे, तो यही सही तरीका है काम करने का। इस तरीके से मास्किंग करने में ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे हमें लग जाते हैं और अंडर कैरेज क्लीन भी करना पड़ता है। तो जो प्रोसेस बाहर लोकल शॉप्स पर अगर 30 मिनट का रहेगा, हम लोग को ये एक अंडरबॉडी कोटिंग करने में 4 से 5 घंटे तक लग जाते हैं। जो पैनल हमने पेंट किया है उसे तो हम 2000 एंड 3000 ग्रिट से सैंड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम पूरी गाड़ी को भी सैंड कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉडल पे, सफारी पे, काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज पील था और ऑरेंज पील कट करने के बाद जो ग्लॉस है और जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सफारी के डिक्की की साइड पर सफारी का लोगो आता है और कस्टमर चाहते थे कि यही लोगो आगे की तरफ भी आए। लोगो वो अपने साथ लेके आए थे, हमने यहाँ पर सिर्फ उसे बिठाने का काम किया है। इस पूरे काम की कॉस्टिंग आपके सामने है, गाड़ी अब पूरी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाते हैं।